हेलो एवरीवन। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रम्स की तरफ से एक वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन का। ड्रम्स जो है होम थिएटर्स वगैरह के सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो आज जो है हम इनके ब्लूटूथ ईयरफोन के बारे में इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे। उसके साथ साथ इन ब्लूटूथ ईयरफोन की खासियत ये है कि भाई इसको आप नॉर्मल यूसेज के साथ साथ इसको जो है आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको जो है मैं करीब 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद ही ये रिव्यू बना रहा हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूँ मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। इसकी साउंड क्वालिटीज़ है और इसके जो बाकी फीचर्स है उसके बारे में जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप ये वीडियो पूरी तरीके से देखते रहिए। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आपको जस्ट प्रेस करना है, सब्सक्राइब हो जाना है। उसके साइड में आपको बेल आइकन का भी बटन दिख रहा होगा, उसको भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं techplusgadgets.com। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देख लेते हैं कि हमें इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो भाई सामने की तरफ हमें इमेज देखने को मिल जाती है वायरलेस ईयरफोन की, और वहीं नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई इन्होंने IPX7 रेटिंग को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करके बताया है। साइड में कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है और पीछे की तरफ जो है डिटेल स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। तो भाई सबसे पहले जो है अगर मैं इसको पढ़ के आप लोगों को बता दूँ तो इसमें जो है 10 मीटर तक की आपको रेंज मिलती है, 7 से 9 घंटे तक का जो है आपको इसमें म्यूज़िक टाइम मिल जाता है, 280 आवर्स का स्टैंड बाय टाइम ये मिलता है, चार्जिंग टाइम जो है वो लेस देन 2 आवर्स का लगता है, और 120 mAh की आपको इसमें बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है, और इसमें जो है आपको एडवांस CSR चिपसेट का भी सपोर्ट मिलता है। तो फटाफट से इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि भाई ईयरफोन किस तरीके का है। सबसे पहले आपको जो है केस मिलता है और ये केस काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो ये जो है मुझे फर्स्ट इंप्रेशन मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा है। उसके साथ साथ अंदर जो है आपको कुछ मैनुअल कार्ड देखने को मिल जाते हैं जिसमें बताया गया है कि भाई कैसे क्या यूज होता है। फटाफट से इसके बॉक्स यानी कि इसके केस को जो है ओपन कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको जो है ब्लूटूथ ईयरफोन देखने को मिलता है और ऊपर की तरफ हमें कुछ जो है ईयर टिप्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ब्लूटूथ ईयरफोन को साइड में रखते हैं और पहले देख लेते हैं कि भाई क्या क्या मिलता है। तो सब आपको जो है USB केबल देखने को मिल जाती है और कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स जो है देखने को मिलते हैं। अगर बात करो इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसके डिज़ाइन की, तो गाइस इसमें आपको जो है फ्लैट वायर का सपोर्ट मिलता है, तो फ्लैट वायर के कारण भाई बहुत सी चीज़ें अच्छी आसान हो जाती है, लाइक ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। उसके साथ साथ ये जो है अगर उलझते भी हैं तो आप इसको जो है आराम से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि फ्लैट वायर ज़्यादा उलझते नहीं है। और इसके जो ईयर क्लिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, लाइक पूरे कान को जो है अच्छे तरीके से ढक लेंगे तो इतनी कोई ज़्यादा इश्यू होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसको जो है आप रनिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। राइट साइड में जो है पूरी तरीके से आपको फंक्शनैलिटी देखने को मिलती है, लाइक सारे बटन्स, चार्जिंग वगैरह का पोर्ट आपको इसमें मिलता है। अगर मैं आपको फंक्शनैलिटी के बारे में बता दूं तो गाइस ये जो आप डी देख रहे हैं ध्यान से अगर आप देखें तो ये जो है एक तरीके का बटन है जो पावर ऑन ऑफ के काम आता है। उसके साथ साथ ये जो है गूगल असिस्टेंट को भी एनेबल करता है और आपके सॉन्ग्स को प्ले पॉज करता है, और उसके साथ साथ कॉल को भी रिसीव और डिक्लाइन करने के काम आता है, तो मल्टीपल टाइप के जो है ये टास्क कर देता है। उसके अलावा ऊपर की तरफ जो दो वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का बटन आपको दिख रहा है, तो उसके थ्रू जो है आप अपने ट्रैक को जो है नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हो लॉन्ग प्रेस करके। और नीचे की तरफ जो है आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है, तो आपके जो नॉर्मल USB चार्जर है आप उसके थ्रू चार्ज कर सकते हो, और इन्होंने अलग से जो है केबल भी दी है उसका भी जो है आप यूज़ कर सकते हो। और अगर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो भाई आपको माइक का सपोर्ट मिलेगा। कॉल क्वालिटी कैसी क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब अगर बात करें इसकी कनेक्टिविटी की, तो गाइस इसमें जो है आपको ब्लूटूथ 4.1 का सपोर्ट मिलता है। इसको जो है मैंने अपने फ़ोन से कनेक्ट किया, फिर अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में रखा, फिर इसको यूज़ किया, तो मुझे कोई कनेक्शन लॉस की दिक्कत नहीं फेस करने को मिली है, लाइक जैसे म्यूज़िक ब्रेक हो रहा है इस तरीके की दिक्कत नहीं हुई है। और अगर मैं बात करूँ इसके कॉल क्वालिटी के बारे में, तो गाइस कॉल क्वालिटी इस तरीके से है कि भाई सामने वाले की आवाज़ जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सुनाई देती है, लाइक लाउडनेस के मामले में काफ़ी बढ़िया है। कभी कभी इतनी तेज़ होती है कि भाई आपको जो है वॉल्यूम कम करना पड़ता है, जो कि अच्छी बात है। अब अगर मैं बात करूँ इसके माइक की, तो गाइस इसका माइक जो है वो नॉर्मली है, लाइक जैसे कि आप अपने फ़ोन पे बात करते हैं उसी तरीके से जो है आप इस हेडसेट से बात कर सकते हैं, तो गाइस कॉल क्वालिटी के मामले में भी जो है मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है। अब मेन कनेक्टिविटी की अगर बात करें, जो कि बहुत से लोगों को डाउट होता है कि भाई पबजी के टाइम पे कैसा क्या ये चलता है, तो गाइस इसको जो है मैंने पबजी के टाइम पे भी यूज़ करके देखा है, तो मुझे कोई ऐसा मेजर सा लैग नहीं फेस करने को मिला है कि भाई साउंड जो है वो आगे
पीछे चल रहा है, इस तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं मिला है। मैं जो हूँ कोई प्रो गेमर नहीं हूँ, लाइक नॉर्मल ही गेमर हूँ, तो मुझे तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं फेस करने को मिली है। अब अगर मैं इसकी बैटरी लाइफ के बारे में बात करूँ तो इसका जो है मैं आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना चाहता हूँ, तो इसकी जो बैटरी लाइफ है मुझे 7 आवर्स की मिली है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और अगर मैं बात करूँ इसके चार्जिंग टाइम की, तो भाई आपको 2 घंटे से ज़्यादा का इसमें जो है चार्जिंग टाइम लगता है, लाइक 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट, इतना का ही जो है आपको इसमें टाइम लगता है। लेकिन इसकी जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी बढ़िया है। अगर इसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो, अपने गले में ये टांग के रखा हुआ है आपने, लेकिन ये कनेक्ट नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, यानी कि स्टैंड बाय मोड पर चले जाता है, जिस कारण इसकी जो बैटरी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बच जाती है। तो इस बैटरी लाइफ के मामले में भी जो है मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, यानी कि इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। तो गाइस इसका जो बेस है मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है, लाइक इसमें आपको हैवी बेस मिलता है, पंची वाला जो बेस होता है वो आपको इसमें मिल जाता है। मैंने लास्ट जो हैवी बेस वाला ब्लूटूथ ईयरफोन यूज़ किया था वो था ये बोट रॉकर्स 255, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। उसके बाद ये वाला जो ईयरफोन है उसकी साउंड क्वालिटी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। जो लोग हैवी बेस को ज़्यादा प्रेफर करते तो उनके लिए ब्लूटूथ ईयरफोन काफ़ी बढ़िया है। अब अगर बात करूँ इसके ट्रिबल वगैरह की, तो वो भी जो है मुझे इसमें बढ़िया लगी है, आपको ज़्यादा कोई दिक्कत फेस करने को नहीं मिलती है। लाइक सॉफ्ट सॉन्ग भी जो अगर आप सुनते हो तो बढ़िया सा आपको साउंड क्वालिटी दे देता है। अब अगर मैं बात करूँ लाउडनेस की, तो भाई लाउडनेस के मामले में इसको मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा बोलूँगा, क्योंकि लाउडनेस इतनी ज़्यादा है कि भाई आपको इसकी वॉल्यूम कम करके इसको आपको सुनना पड़ता है। अगर आप 100% पे सुनते हो तो भाई आपको बाहर क्या चल रहा है वो कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि कॉल क्वालिटी के टाइम पर भी जो है लाउडनेस अच्छी मिलती है, उसी तरीके से म्यूज़िक के टाइम पर भी जो है आपको लाउडनेस काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। इसकी मुझे एक और जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो ये कि भाई इस ईयरफोन के साथ आपको जो है ये केस देखने को मिलता है। बहुत से लोग जो है मुझे यूट्यूब पे वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि भाई कोई ऐसा केस बताओ जो ईयरफोन को रखने के काम आ जाए। तो गाइस इस ईयरफोन के साथ आपको बाय डिफॉल्ट ये केस मिलता है, और ये जो केस है इसके बारे में अगर मैं बता दूं तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइक आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूती ये दे देता है, कोई भी दिक्कत आपको ईयरफोन्स में नहीं होगी। दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, सामने की तरफ आपको ड्रम्स की जो है आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, और आगे इसमें जो है आपको एक एक्स्ट्रा पॉकेट भी मिलता है जिसमें आप इसके चार्जिंग केबल वगैरह को भी रख सकते हो, तो आपको जो है अलग अलग से रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर बात करूँ मेरे ओपिनियन की, तो गाइस अगर आपको कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ ईयरफोन चाहिए तो ये जो ब्लूटूथ ईयरफोन है काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो 2799 रुपीज़ आपको पड़ता है, और ये जो है अमेजोन पे अवेलेबल है। तो इसकी जो बेस्ट बाइंग लिंक होगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके जो है इनको परचेस कर सकते हैं। क्योंकि इसका ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि भाई आपको केस भी ये दे रहा है, उसके साथ साथ साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी दे रहा है, बैटरी लाइफ बढ़िया दे रहा है, तो ओवरऑल मुझे ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन जो है लगा है। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, और वहाँ पे भी जो है मुझसे आप क्वेश्चंस या फिर कोई भी आपके डाउट है वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो जो है मैं आप तक लेकर आता रहूँ। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।